नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उत्साह के साथ लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी से एसआरएस की टीम ने प्रॉमिस किया था बीपीएससी 70वीं की तैयारी को कराने के लिए, तो दोस्तों अपना पहला बैच जो था, जो 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग था, उस बैच का आगाज हो चुका है। पिछले 28 मार्च से वो बैच लगातार चल रहा है और उस बैच में छात्रों ने जितना भरोसा एसआरएस क्लासेस की टीम को लेकर के दिखाया है, लगातार सैकड़ों की संख्या में छात्र उस बैच में इनरोल हो चुके हैं और वे लोग अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं। तो 28 तारीख से जो बैच अपना शेड्यूल्ड था, जो अपना बैच चल रहा था, उसमें बिहार के साथ ही साथ दिल्ली के अनुभवी टीम टीचरों की जो पूरी की पूरी टीम है, वो लगातार आपको गाइड कर रही है। उन शिक्षकों के माध्यम से आपको पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जो शिक्षक वेल एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने पीसीएस परीक्षा में स्वयं कई बार सफलता पाई है। और साथ ही साथ आप सबको जैसा कि पता है, एसडीएम राहुल सिन्हा सर जो स्वयं एक बीपीएससी अधिकारी हैं, जिनका बीपीएससी में टॉप रैंक होने के साथ साथ वो एक एसडीएम हैं और उनके गाइडलाइन में, उनके मार्गदर्शन में 70वीं बीपीएससी की तैयारी पहली बार बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, जिसमें आपको पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक का पूरा साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवरीथिंग आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, एसआरएस क्लासेस उसके माध्यम से सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। तो मैं जिस बात को डिस्कस करने के लिए अभी आपके बीच आया हूं, उस बात को मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सब थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे लिखा हुआ है एसडीएम से पढ़कर एसडीएम बनने का मौका। सारे छात्र जो पीसीएस एग्जाम देते हैं, उसमें से अधिकांश लोगों का यह सपना होता है, उनके सपने के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना होता है, उनके माता पिता का भी सपना होता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी कलेक्टर बने। एसडीएम बहुत लोग नहीं जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कलेक्टर बने। बच्चे या बच्चियां जो होती हैं, वो कलेक्टर बनने का सपना देखती हैं। तो डिप्टी कलेक्टर दोस्तों, एसडीएम जो बनने का आपका सपना है, आपके पेरेंट्स का सपना है, उस सपने को पूरा कराने के लिए रेस्पेक्टेड एसडीएम राहुल सिन्हा सर ने इस बार ये पहल आप छात्रों के बीच में की है। बहुत जल्द एक बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर आप लोगों का सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जहां पर एसडीएम राहुल सिन्हा सर तो स्वयं रहेंगे ही, उनके साथ और भी उनके जो कलीग हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो पूरी की पूरी टीम है, जो आपको पीसीएस एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए काम कर रही है, उससे भी आपका मुलाकात बहुत जल्द कराया जाएगा। तो एसडीएम से पढ़ करके एसडीएम बनने का मौका इस बार दोस्तों आपको मिल रहा है, तो इस मौके से आपको चूकना नहीं है। दो तीन बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बार, फर्स्ट टाइम ये प्रयोग स्टूडेंट के लिए किया गया है और बिल्कुल एक ईमानदार ऑनेस्ट प्रयोग जो है, मात्र 500 रुपए मंथली, मात्र 500 रुपीज मंथली। अब कोई स्टूडेंट शायद ही ऐसा होगा जो 500 रुपए भी, जो बीपीएससी पीसीएस का सपना देख रहा है और मंथ में 500 रुपया उसके पास नहीं होगा। जियो फोन का या फिर अदर मोबाइल फोन का भी आप रिचार्ज कराते होंगे तो उसमें भी 300 रुपया मिनिमम लगता है एक महीने का। आप सोचो 500 रुपए में प्रत्येक दिन मंडे से संडे तक की आपकी जो क्लासेस है, जिसमें सैटरडे तक आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा, सैटरडे तक आपको पूरी की पूरी बीपीएससी की सिलेबस पढ़ाई जाएगी और संडे को आपको एक खूबसूरत वेल क्वालिफाइड क्वेश्चंस, जो कि एक्सपीरियंस कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो क्वेश्चन का टेस्ट देने का मौका आप लोगों को संडे को मिलेगा। कितना शुल्क है? मात्र 500 रुपए शुल्क में ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बना दी गई है। तो पहला बैच जो दोस्तों अपना था, जो कि 28 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया था, उसकी भी सूचना मैंने आपको दी थी, वो बैच भी अपना खूब मस्ती में, खूब धूमधाम से चल रहा है। अपना नेक्स्ट बैच दोस्तों अगले गुरुवार से, आज संडे है, मतलब कमिंग थर्सडे जो है, उस दिन से अपना अगला बैच, नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या है उसके बारे में मैं फटाफट आपको बता देता हूं, फिर आगे की जानकारी मृत्युंजय सर को मैं इनवाइट करूंगा, वो भी देंगे। सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई कि जो अपना फी रखा गया है दोस्तों, इतना नॉमिनल फी रखा गया है, जिस फी को कोई भी अफोर्ड कर सकता है, वह फी है ₹500 per month का शुल्क रखा गया है दोस्तों, जिसमें आपको पूरा पढ़ाई आपका शुरू कर दिया जाएगा और 6 महीने तक
कंप्लीट 6 महीने तक आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अब इस फी में इंक्लूड क्या क्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। फी में जो दोस्तों इंक्लूड है, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल भी कौन सा, अपडेटेड स्टडी मटेरियल। अपडेटेड मतलब आप सबको पता है 68 के बाद से बीपीएससी का पैटर्न कंप्लीट चेंज हो चुका है, कंप्लीट चेंज हो चुका है। 68वीं बीपीएससी किसे, 69 बीपीएससी में बीपीएससी ने जितने प्रयोग किए साइंस में, जनरल साइंस को हटा करके साइंस टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के जगह पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन छात्रों का एनसीईआरटी ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जिन छात्रों का एनसीईआरटी पर कमांड नहीं होगा, वे छात्र दोस्तों परेशान होंगे निश्चित रूप से। तो इसी बैच में आपको हम लोग देने जा रहे हैं एनसीईआरटी का फुल कोर्स। एनसीईआरटी का दोस्तों फुल कोर्स भी आपको इसी बैच के अंतर्गत मिलेगा, मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी पर 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी पर आपका पूरा कमांड करा दिया जाएगा। तो पहली बात मैंने कहा, आपको स्टडी मटेरियल वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों वो आपको मिलेगा। दूसरा, आपको एनसीईआरटी का फुल 6 से लेकर के क्लास 12th तक की एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट जुबान पर, जैसे तोता किसी शब्द को रटता है तो लगातार उसी को बोलते रहता है, तो एनसीईआरटी को दोस्तों आपको इतना रटा दिया जाएगा कि नींद में भी कहीं से कोई डाउट कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप डील कर सको, उसको डिस्कस कर सको, इतना आपको क्वालिफाई कर बना दिया जाएगा। तो पहला दोस्तों लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, दूसरा एनसीईआरटी का फुल कोर्स, तीसरा जो हम लोग दोस्तों इसमें आपको देने जा रहे हैं वह है टेस्ट सीरीज। आपको पता है जब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हो, बीपीएससी का जो आयरन गेट है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी जिसको पीटी कहते हैं। पीटी जो है आज के समय में इतना वास्ट हो चुका है दोस्तों, पहले ये नहीं था, पहले वन लाइनर बुक्स को आप रट करके जाते थे, पीटी निकाल लेते थे। हमारे कई जान पहचान के ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पीटी एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेंस में डर से नहीं बैठते थे, अब वो आकर के पीटी क्वालिफाई करके दिखाए, मुश्किल है उनके लिए भी। क्यों मुश्किल है, क्योंकि बीपीएससी अब धीरे धीरे कंप्लीट यूपीपीसीएस और साथ ही साथ यूपीएससी के ट्रेंड को अपनाते जा रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो मेंस क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आसान होगा। लेकिन उसके पहले आपको आयरन गेट ब्रेक करना है जिसको पीटी एग्जाम कहते हैं। तो पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोग दोस्तों आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उस टेस्ट सीरीज का एक एक प्रश्न जैसे समुद्र में गोताखोर गोता लगा करके मोती निकालता है, उसी तरीके से एसआरएस क्लासेस की जो वेल क्वालिफाइड कंटेंट डेवलपर की टीम है वो उस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आपके लिए निकाल करके ले आएगी और टेस्ट सीरीज में इनपुट करके 150 प्रश्नों का सेट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों इसी फी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसमें आपको इंक्लूड कर करके दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो सबसे डरावना सब्जेक्ट जिसमें कंप्लीट 100% दावा कोई छात्र नहीं कर पाते हैं, वो सब्जेक्ट अपना कौन सा है, तो दोस्तों वो सब्जेक्ट है आपका करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स का क्या समाधान आप निकाल सकते हो, इससे सारे के सारे स्टूडेंट चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, बोले एक तरह से कि सर करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो अपना बहुत जल्दी आप पाओगे कि एसआरएस क्लासेस का करेंट अफेयर का पूरा कंटेंट आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है। तो अपने छात्रों के लिए मात्र ₹500 पर मंथ में करेंट अफेयर, जिससे 25 से 30 प्रश्न परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो उस करेंट अफेयर पर भी एसआरएस क्लासेस की वेल क्वालिफाइड कंटेंट डेवलपर की टीम लगातार काम कर रही है और एसडीएम राहुल सिन्हा सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है। तो आपको करेंट अफेयर का भी कंप्लीट सॉल्यूशन इसी के अंतर्गत दोस्तों दिया जाएगा। पांचवा जो सबसे बेस्ट हम लोगों के पास है वह क्या है, आपका मेंटोरशिप। आपका जो मेंटोरशिप होगा वो कौन कर रहा है, तो एसडीएम राहुल सिन्हा सर स्वयं कर रहे हैं। एसडीएम राहुल सिन्हा सर स्वयं आपका मेंटोरशिप करेंगे और बहुत जल्द उनकी कक्षाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और जो सब्जेक्ट वो डिस्कस करेंगे आपके बीच, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे आपके बीच, वो सब्जेक्ट होगा दोस्तों कौन कौन सा, तो हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री का क्लासेस पूरा का पूरा आप पाओगे।
एसडीएम राहुल सिन्हा सर के गाइडलाइन में गाइडेंस में आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ मैथ्स, मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है जो कि पीटी एग्जाम में कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न दो चार रहते हैं, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग जिससे 10 प्रश्न पीटी एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार से प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है, तो वो 10 प्रश्न आपका जो पीटी में पूछा जाता है वो भी राहुल सिन्हा सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और मेंस एग्जाम में जो 72 नंबर का डीआई होता है, मेंस एग्जाम में दोस्तों जो 72 नंबर का डीआई का पोर्शन होता है, वो डीआई का पोर्शन भी आपको राहुल सिन्हा सर पढ़ाएंगे। बिना डीआई का मेंस क्वालिफाई करना आपको पता है कि कितना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ आपको वीकली करेंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो भी राहुल सिन्हा सर के मार्गदर्शन में आपको मिलेगी। मेंस की अगर बात करें, मेंस की अगर बात करें, मुख्य परीक्षा की अगर दोस्तों बात करें, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है वो आपको राहुल सिन्हा सर स्वयं पढ़ाएंगे। डीआई मैंने आपको बता दिया, मेंस में 72 नंबर का डीआई उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही साथ मेंस में आज के समय में सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान है कि निबंध के ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, जो कि 300 नंबर का पेपर है, तो निबंध को किस तरीके से तैयार किया जाए, एंसर राइटिंग में शार्पनेस कैसे लाया जाए। मात्र दोस्तों 15-20 नंबर का खेला होता है, कोई एसडीएम बन जाता है और कोई थोड़ा सा निचले पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप किन पॉइंट्स को जीवन में एडॉप्ट कर करके टॉप रैंक पर जा सकते हो, कैसे वही 15-20 नंबर आप अपलिफ्ट करोगे तो आप भी एसडीएम और डीवाईएसपी के पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हो, वो सारा टिप्स आपको सर के मार्गदर्शन में दिया जाएगा, जिसका शुल्क मात्र रखा गया है 500 रुपए पर मंथ। तो ज्यादा लेट बिल्कुल नहीं करें, गुरुवार से अपना बैच शुरू हो रहा है। आपको आज से एसआरएस क्लास की ऐप पर, फटाफट मैं बता दूं, आपको एसआरएस क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन पर आज से बैच शो होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई इंक्वायरी होता है, आप बैच परचेज करने में कोई दिक्कत होती है, ऐप रिगार्डिंग कोई दिक्कत होता है, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है नोट कर लेंगे, 9241574570। ये हमारा दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर करके बैच के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी आपको डाउट होती है, इस नंबर पर कॉल कर करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया थर्सडे से, डेट कौन सा है सर, थर्सडे से यह बैच अपना 11 अप्रैल, ठीक है, थर्सडे से दोस्तों 11 अप्रैल से अपना बैच शुरू हो जाएगा, जिसका टाइमिंग है 3 से लेकर 6 PM, यानी प्रत्येक दिन यह क्लासेस आपको एसआरएस ऐप पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लेट बिल्कुल नहीं करना है, फटाफट जाइए एसआरएस ऐप डाउनलोड करिए, उसी में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, करेंट अफेयर्स मैगजीन, वो सारा कुछ आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे थर्सडे के दिन यानी 11 अप्रैल को बैच में, तब तक उम्मीद करते हैं आप सब लोग उसमें इनरोल करा करके अपनी 70वीं बीपीएससी में आपका जो ड्रीम कैरियर है, आपका जो ड्रीम जॉब है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीवाईएसपी बनना हो, चाहे वो आपको बीपीआरओ बनना हो, बीडीओ बनना हो, या फिर कोई भी बीपीएससी के शानदार पोस्ट पर अपना सिलेक्शन करवाना हो, और यदि आप इच्छुक हैं एसआरएस टीम के साथ जुड़ करके पढ़ाई करने के लिए, तो फटाफट इस बैच को परचेज करके आप इसमें इनरोल करा लें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे बैच में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।